नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार रोहित भाई ये बताओ कि ये रीसेलिंग का फ्यूचर कैसा है, क्या हम रीसेलिंग को करियर बना सकते हैं, या हमारे लिए जो 2020 होगी वो रीसेलिंग के लिए कैसी साल होगी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाऊं। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और इस टॉपिक पर, तो मैंने सोचा कि आज फाइनल इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को फाइनली इस पर गाइड करना चाहिए कि हाँ ये इस सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा है जरूरी है, क्योंकि यार हम जिस लाइन से पैसा कमाते हैं उसका फ्यूचर देखना हमारे लिए जरूरी है। अब हुआ क्या था कि लोगों की राय क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं कि हमने जब से स्टार्ट की रीसेलिंग, जब से हमारा जो रीसेलिंग बिजनेस है वो डाउन ही जा रहा है। मोस्टली लोगों की कहानी यही है कि उनका रीसेलिंग बिजनेस डाउन जा रहा है। पहले ज्यादा ऑर्डर आते थे, अब कम आ रहे हैं, उनकी सेल अब डाउन हो रही है। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि रीसेलिंग कंपनियां इशू ज्यादा आ रहे हैं, डिलीवरी लेट हो रही है, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इशू आ रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, इशू पहले ज्यादा आते थे, अब इशू कम आ रहे हैं, और पहले सेल ज्यादा होती थी, अब सेल कम हो रही है। इसके पीछे का रीजन भी है। इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले इतने लोग रीसेलर नहीं थे, उनको इतना कुछ पता नहीं था, और अब आके रीसेलर बहुत हो गए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और दूसरी चीज कि अनफेयर ट्रेड होने लगी। अनफेयर ट्रेड का मतलब होता है गलत तरीके से बिजनेस करना। तो रीसेलिंग में भी अनफेयर ट्रेड होने लगी, मतलब लोग क्या करने लगे, फ्रॉड करने लगे फेसबुक मार्केट प्लेस की हेल्प से। मतलब प्रोडक्ट कुछ और दिखा रहे हैं, भेज कुछ और रहे हैं, जिससे क्या हुआ, कस्टमर का जो बिलीव सिस्टम था वो भी डाउन हो गया। फिर उन्होंने भी इन प्लेस से खरीदना बंद कर दिया। उन्हें लगा फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX वगैरह ये फेक हैं, इनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं। तो लोगों के दिमाग में एक बात आई कि इससे अच्छा हम अमेजोन से खरीद लें, भरोसेमंद वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, कभी इशू आएगा तो डायरेक्ट रिटर्न भी कर देंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे पास से जो हमारे कस्टमर थे वो चले गए। अब हुआ क्या, रीसेलिंग में भी कौन से लोग सक्सेस हैं वो भी मैं बता दूं। रीसेलिंग में वो लोग सक्सेस हैं जिनके कस्टमर थे, उन्होंने वो कस्टमर रिटेन कर लिए, मतलब वो रख लिए बुला के कि आओ व्हाट्सएप पे, अब कोई इशू आ रहा है तो तुरंत उनका सॉल्व कर रहे हैं, रिटर्न करना है उन्हें तो रिटर्न कर रहे हैं, रिफंड का तुरंत कर रहे हैं, मतलब उनसे एक पर्सनल रिलेशन बना लिए। तो वो लोग अभी रीसेलिंग अच्छी कर रहे हैं और रीसेलिंग में सक्सेस भी हैं। अब भाई मेन मुद्दे पे आते हैं कि रीसेलिंग का फ्यूचर क्या होगा। देखो, रीसेलिंग डूबेगी उन लोगों की जो सही तरीके से रीसेलिंग नहीं कर रहे, और जो इसे एक बिजनेस के तरीके से सोच के कर रहे हैं उन लोगों को बिजनेस में लगातार बेनिफिट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी रीसेलिंग से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस करने का तरीका है, जो रीसेलिंग में कर रहा हूँ, वो सभी से हटके है। मेरा बिजनेस करने का तरीका सभी से हटके, अलग तरीके से काम कर रहा हूँ और यहाँ से प्रॉफिट भी हर महीने अच्छा खासा निकाल रहा हूँ। और आप सही वे में इस चीज को नहीं कर रहे। आपको कैसे कस्टमर रिटेन करने हैं, कैसे कस्टमर लेने हैं, आप लोग दूसरों की चीजों को कॉपी कर रहे हो। आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख लेते हो कि पेड प्रमोशन कर दो फेसबुक पर और तो कस्टमर मिल जाएंगे, तो आप लोग क्या करते हो, 1,000 रुपये पेड प्रमोशन में लगा देते हो, लेकिन आपको कस्टमर वहां से नहीं मिलते। आप फेसबुक पे ऐसे ही बहुत सारी चीजें सुनते हो, ये कर दो वो कर दो, यहाँ से कस्टमर आएंगे, ऐसे ऑर्डर आएंगे वैसे ऑर्डर आएंगे, लेकिन आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं तो आपको ऑर्डर नहीं आते। इसी जगह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रीसेलिंग से अच्छा खासा कमा रहे हैं, पिछले टाइम के मुकाबले इस टाइम पर उन्होंने सेल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज की है। तो वो लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, या मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो अच्छी खासी सेल जनरेट करता हूं और आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे। तो पहली चीज, आप अपने बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस को सीरियस ले रहे हैं, रीसेलिंग बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं, उनके पास दूसरी चॉइस नहीं है कुछ करने के लिए। वो ये चाह रहे हैं कुछ भी हो, मेरा रीसेलिंग बिजनेस अच्छा चलता रहे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि 10 ऑर्डर पर डे मिलते रहें और 50 रुपये पर ऑर्डर पे मार्जिन रख लूँ, मेरे 500 रुपये डेली के सीधे होते रहे, महीने के 15,000 रुपये मैं कमाता रहूँ रीसेलिंग से, तो वो भी अच्छा है। बहुत सारे लोगों की ये भी सोच है। तो
हो क्या रहा है कि आप लोग ये तो YouTube पर देख रहे हो कि ये पेड प्रमोशन करो, आप ये वेबसाइट बना लो, ऐसी चीजें तो आप देख रहे हो, तो आप पर उन्हें प्रॉपरली करना नहीं जानते। आपको पता नहीं कि एड कैंपेन कैसे चलाएंगे फेसबुक से। आपने चलो एड कैंपेन चला भी दिया, फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला भी दिया, 4 रुपए खर्च भी कर लिए, उसके बाद आपको वो कस्टमर कैसे मेंटेन करने, कैसे अपने पास रखने हैं, कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे कैटेगरी वाइज डिफाइन करना है उसे, और कैसे हमें कितने एड कैंपेन चलाने चाहिए। इसके अलावा होता क्या है, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा देते हैं इधर उधर, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देते हैं, हम भी बना के देते हैं। तो हमारा तो ये सिस्टम रहता है कि हम लोग आपको पूरा गाइड करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का काम नहीं हमारा। वेबसाइट बनने के बाद हम वीडियोज प्रोवाइड करते हैं कि उस वेबसाइट पर कैसे पोस्ट अपलोड होंगी, कैसे उसका फॉर्मेट कभी चेंज करना हो तो कैसे फॉर्मेट चेंज होगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन दूसरे डेवलपर क्या करते हैं, वो आपके लिए वेबसाइट बना के आपको दे देते हैं कि लो आपकी वेबसाइट तैयार होगी। अब उन्हें कोई मतलब नहीं, वो पूरी जिंदगी साथ नहीं देंगे, आपने एक बार पेमेंट किया, एक बार उन्होंने काम करके आपका दे दिया, फिर वो आपसे बात नहीं करते। इसीलिए हमने अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ, जिसमें 30 दिन तक अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी, डेली एक टॉपिक टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, और पूरा आपको वीडियो दी जाएगी और एक रिटन मैटर भी दिया जाएगा, जिसे देख के आप डेली एक नया टॉपिक सीखोगे। और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होंगी उसका मैंने एक वीडियो का भी लिंक दिया है और एक आर्टिकल का भी लिंक दिया है, तो आपको पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी कि आपको इनमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। तो 30 दिन में बहुत कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा, इसमें आप टोटली जितनी टाइप की वेबसाइट होती हैं वो बनाना सीखोगे, टोटली जितने टाइप के एप्लीकेशन होते हैं वो बनाना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, बहुत कुछ आप सीख जाओगे। मतलब आप बहुत कुछ इस फ्री कोर्स से सीख सकते हो, तो आप उनको चेकआउट जरूर करें। अब अगर आप इस 30 दिन का कोर्स सीख लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे नहीं देने, 30 दिन तक आप ये ट्रेनिंग ले लेते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को प्रोफेशनली आप चलाओगे, आप अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओगे, वहां पर मीशो शॉप 101 ग्लो रोड के प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे और अपनी वेबसाइट की SEO करोगे, SEO करके अपनी वेबसाइट को रैंक करोगे और अपनी वेबसाइट में आप एडवर्टाइजमेंट भी चलाओगे, उससे भी कमाओगे, प्लस रीसेलिंग करोगे उससे भी कमाओगे, प्लस आप उसी वेबसाइट में एफिलिएट प्रोडक्ट भी डालोगे तो उससे भी इनकम करोगे। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर स्पॉन्सरशिप लेके वहां पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालोगे तो उससे भी कमाओगे, मतलब आप इतनी जगह से कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, अब थोड़ी सी मतलब डिफाइन कर देता हूँ थोड़ी सी बातों में, जो सच्चाई है कि रीसेलिंग का फ्यूचर उन लोगों के लिए अच्छा है जो कुछ अलग तरीके से करेंगे, और जो लोग पुराने घिसे पिटे तरीके यूज करते रहेंगे उनके लिए रीसेलिंग नहीं है, फ्यूचर उनका खत्म है। और दिसंबर के बाद वो रीसेलिंग बंद कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी से कॉम्पिटिशन आएगा 2020 में, और आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड सभी बोल रहे हैं 2020 में आएगा, 2020 में आएगा, ये हम भी जानते हैं 2020 में इतना डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड आ जाएगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगेंगी। जॉब क्यों छूट रही है, क्योंकि काम ऑनलाइन होने लगे हैं आजकल। आपको पता है दुकान से इतना ज़्यादा सामान कोई भी नहीं खरीदता जितना ऑनलाइन खरीद रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं लाओगे अपनी रीसेलिंग बिजनेस को, जब तक तो कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद की वेबसाइट एप्लीकेशन इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आपको दूसरों से ना बनवाएं, मैं ये भी बता दूं, दूसरों से ना बनवाएं, दूसरों से बनवाओगे तो वो एक बार बना के दे देगा कि लो भाई आपका ये बन गया, फिर आपको प्रॉब्लम आई तो आप क्या करोगे। आप सीखिए, इस चीज को सीखिए कि आप कैसे सीखोगे, क्या क्या इसके फायदे होंगे। तो आपको अगर रीसेलिंग का भविष्य अच्छा करना है तो खुद को इम्प्रूव करना होगा, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, खुद को 1 महीने का टाइम देके वो 30 टॉपिक सीखने पड़ेंगे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रीसेलिंग का भविष्य आप समझ चुके होंगे हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर देखो बात रीसेलिंग वाली नहीं है कि रीसेलिंग कैसा है, अगर रीसेलिंग आपकी नहीं चलेगी तो आप एफिलिएट से कमा लोगे, एफिलिएट नहीं चलेगी तो आप गूगल एडवर्टाइजमेंट से कमा लोगे, गूगल एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेंगे तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट से कमाओगे। मतलब अगर आप नॉलेज बढ़ा लेते हो, खुद पर इन्वेस्ट कर लेते हो, तो 1000 तरीके हैं कमाने के जिनसे आप कमा सकते हैं, कोई ये नहीं कि रीसेलिंग के ही भरोसे बैठे रहो। और हम भी हैं, जो हमारी सोर्स हैं, इनकम सोर्स हैं, वो 7 इनकम सोर्स हैं। मैं भी कभी एक जगह से नहीं कमाता, कभी मेरा ये नहीं कि रीसेलिंग के ही भरोसे हूँ, मैं रीसेलिंग से भी कमाता हूँ, मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, मैं ब्लॉग से भी कमाता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाता हूँ, मैं खुद के कोर्स भी सेल करता हूँ, खुद के प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ, स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी लेता हूँ, स्पॉन्सर्ड वीडियो भी बनाता हूँ, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, यूसी न्यूज से भी कमाता हूँ, और क्या बताऊँ कहाँ कहाँ से। ये है थोड़ा थोड़ा जब सभी जगह से आता है ना, तो जो फंड हमारे पास कलेक्ट होता है वो एक बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है।
तो आप हमारे फ्री कोर्स को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसकी कंडीशंस को पढ़ सकते हैं कि क्या कंडीशन है उस कोर्स को लेने के लिए, ठीक है। और आपको एक राय देना चाहूँगा कि जितने भी भरोसेमंद और ट्रस्टेड रीसेलिंग एप्लीकेशन है उन सभी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबा दें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।